किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान। किसान भाइयों आज है दिन सोमवार 1 जुलाई 2019। ये जो मैं जिस खेत में खड़ा हूं इसमें मैंने 240 पौधे अमरूद के लगाए हैं 10x10 का। इनका पौधारोपण हमने मंगलवार को किया था, उस दिन था 25 जून। मंगलवार को हमने पौधारोपण किया और इस पौधारोपण के बाद हमने तुरंत फ्लड से इस खेत में पानी दे दिया। प्रत्येक गड्ढे में 5 किलो प्रोम जो मैंने रॉक फॉस्फेट से बनाई है केचुआ खाद के द्वारा, जैसा मैंने पहले आपको वीडियो में दिखा चुका, वो डाली है मैंने और मैंने कुछ नहीं डाला है। किसान भाइयों इस खेत में एक साल से एलोवेरा था, एलोवेरा नहीं बिका था, मैंने इसी में बुहाई करा था। एक साल से इसमें कोई केमिकल, कोई खाद, कोई दवाई कुछ नहीं डाला था। ये पूर्णतः खेत जो है ना इस टाइम ऑर्गेनिक है और इस खेत को मेरा विचार है कि मैं इसे अलग से बिल्कुल ऑर्गेनिक रूप से ही पालूंगा। अभी मैंने अहमदाबाद से करीब 250 किलो 8% वाली नीम की खली मंगाई है, नीम का तेल मंगाया है, स्प्रेडर मंगाया है और 250 किलो ही मैं बोन मीट मील मंगाऊंगा, जिससे कि मैं पौधों में इनमें एक माह के बाद जब ये थोड़ा जड़ पकड़ लेंगे, जब चलना शुरू हो जाएंगे, अभी मैं इनकी स्थिति दिखाऊंगा, तो मैं इनमें आधा आधा किलो वो डालूंगा और बाकी अपना वेस्ट डिकम्पोजर और पत्ती का रस और माइक्रोन्यूट्रेंट उनका मैं अच्छी तरह से अपनी बात प्लान करके बिल्कुल सही तरीके से मैंने चार्ट बना दिया है, अपने नौकर को दे दिया है कि कब करना है। हफ्ते में एक बार वेस्ट डिकम्पोजर का छिड़काव करना है, 15 दिन में माइक्रोन्यूट्रेंट पत्तियों का छिड़काव, 15 दिन के बाद पत्ती का रस का छिड़काव करना है और महीने में एक बार माइक्रोन्यूट्रेंट पत्थर के रस का करना है। और मैंने एंडी की खाद भी बनाई है, जो बकरी की एंडी है वो बिल्कुल तैयार है, उसका प्रयोग भी मैं इन पर करूँ। तो इस पर मैं पूरा ये देखूंगा और तब मैं कंपेयर करूंगा। जो मेरा दूसरा खेत है उसमें मैंने आज ही एक छिड़काव कराया है, पिछले सप्ताह मैंने इसमें एक केम करके दवाई है, हर्बल दवाई है वो ऑर्गेनिक, उसका छिड़काव कराया था जिससे कि इल्ली विल्ली कोई बीमारी ना हो। और आज मैंने उसमें 19-19-19 और एक प्रोपानोजोल दवाई होती है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको, और 4 g प्रति लीटर के हिसाब से 19-19 का छिड़काव करा। आइए आज मैं दिखाता हूँ आपको कि जिसका मैंने पौधारोपण किया है उसमें अभी तक हमने क्या कार्य किए हैं और हमको उनकी बिल्कुल वस्तु। ये देखिए आप यहाँ से, ये पहली लाइन है, इस तरह इसमें 20 लाइनें हैं, प्रत्येक जो लाइन है इसको मैं कॉलम कहूँगा, जो एक लाइन है इसमें 12 पेड़ हैं। ये देखिए उत्तर दक्षिण, ये 12 पेड़ हैं इसमें और इनको मैंने इस प्रकार विभाजित किया। देखिए आपको बिल्कुल, मैंने ये पौध जो है ना वीनियर ग्राफ्टिंग मंगाई थी। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए इस पौधे को ध्यान से देखिए, ये वीनियर ग्राफ्टिंग का पौधा है जो हमने जयश्री नर्सरी बनारस से मंगाया है। ये देखिए, और ये पौधा अलाहाबाद सफ़ेदे का है। इसमें मैंने ये बांस की डंडी लगवा दी थी, जब ज़मीन गीली थी तो ये करवा दी थी। और देखिए इसको 2 जगह से बांधा गया है, ये ज़मीन से थोड़ा ऊपर है और जो ग्राफ्टिंग है उससे नीचे है, और एक मैंने ये ऊपर ताकि ये शाखा बहुत हिले नहीं। जो रस्सी बांधने का जो मेन पर्पज होता है वो ये है कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा ना हिले और जो तेज़ हवा अगर चलती है तो उसमें इसको कोई नुकसान ना हो। तो मैंने इसका इस प्रकार किया है कि ये 20 लाइनें हैं, जो इधर की है ये पूरब की साइड है, इसमें ये 5 लाइनें मेरी अलाहाबाद सफ़ेदा की हैं। ये देखिए तो 12×5=60, तो 60 पेड़ मेरे अलाहाबाद सफ़ेदा के हैं। ये चौथी लाइन है और ये है 5वीं लाइन। इसके बाद जो ये 2 लाइनें हैं, ये ताइवान पिंक है, तो 24 पेड़ जो है ना ये ताइवान पिंक के हैं। तो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा लें, मैंने कहा भाई अभी मेरे पास सब नहीं है,
अब मेरे पास लगभग 8 वैरायटी हो गई हैं और मैं सबको एक साल के बाद उत्तर दे सकूंगा कि किसकी क्या है। तो ये दो लाइनें थी ताइवान पिंक की। इसके बाद ये जो मेरी फिर 5 लाइनें हैं ये धवल है। धवल CISH की एक नई वैरायटी है जो बहुत ही कम है अभी और 2-3 साल पहले ही ये बनाई गई है वैरायटी। तो इसके पौधे सबके पास नहीं है तो मैंने ये 60 पेड़ लगाए। 3, 4, 5 ये 5 लाइनें मेरी धवल की। ये पेड़ जो है ना ये धवल का है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको बांध दिया। ये लगा के इसके बाद जो है वो 3 लाइनें ये आप कह लीजिए VNR है या Thai 1 kg है। ये जो है आप देखेंगे ये Thai 1 kg है 3 लाइनें। तो ये हो गई मेरी 4th वैरायटी। ये इस तरह से। उसके बाद जो मेरी 5 लाइनें बचती हैं ये 3 यहाँ तक Thai 1 kg है। ये देखिए अभी पता चल जाएगा 6 महीने बाद इसका। और ये मेरी फिर जो है ना 5 लाइनें जो लास्ट की है मेरी वेस्ट साइड की जो पश्चिम की दिशा है उसमें मेरी 5 लाइनें ये हैं श्वेता की। ये श्वेता है। ये देखिए ये श्वेता है। और ये अभी मेरा आज ड्रिप सिस्टम साथ चल जाएगा। ये ड्रिप की लाइन है इस तरफ जो है ना और इनको हम डाल देंगे। और ये देखिए पूरा खेत आप आराम से देख लीजिए। तो इसमें 240 पेड़ हैं जो मैंने एक 10x10 को भी हाई डेंसिटी बोलते हैं तो मैंने 10x10 पर लगाया है। और इसमें थोड़ा ये मोथा घास दिख रहा है। अभी ट्रैक्टर आएगा और इसमें दोनों तरफ से ट्रैक्टर चल जाएगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आराम से इसमें टीलर निकलवा दूंगा मैं। और उसके बाद जो ये जड़ों के पास है थोड़ा खुरपे से ठीक करा दूंगा। अब ये आप देखिए 10x10 के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। ये जो मैं सुबह आपको खेत दिखाया था ये देखिए इसमें ये ट्रैक्टर से दोनों ओर से बुहाई हो गई क्योंकि 10x10 है। इसको स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं कि 10 फुट चौड़ाई और 10 फुट लंबाई दोनों ओर से 10 फुट है। तो पहले हमने ये पूरब से पश्चिम ट्रैक्टर चलाया और अब देखिए ये उत्तर से दक्षिण चल रहा है। ये ट्रैक्टर चल रहा है और देखिए कितनी अच्छी गुड़ाई हो गई इसकी। अब थोड़ा सा जो जगह बची है ये फ़ायदे हैं। लेबर पोस्ट बहुत बचेगी इसमें। इसके आसपास मैं हाथ से करा दूंगा। बीच में कोई भी कहीं नहीं है। जैसे पहले जो मेरा 8x5 का जो हाई डेंसिटी जिसे अल्ट्रा हाई डेंसिटी बोलते हैं वो मेथड था उसमें मेरे को हाथ से बहुत काम कराना पड़ता था और मेरी लेबर कॉस्ट बढ़ती थी। पौधों की कॉस्ट भी है। जितनी दूर में ये 2 पौधे हैं इतनी दूर में वहाँ पर एक पौधा और होता। गड्ढे की कॉस्ट उसकी निराई गुड़ाई की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होती थी। अब देखिए मेरा बात मुझे इसमें कटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी सामान्य से ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन फसल भी उतनी ही अच्छी है। तो ये देखिए किस प्रकार लाइनें दिख रही हैं। और ये मैंने इसको अब कल मैं इसको ठीक से कराऊंगा और फिर 2-3 दिन बाद बारिश होगी तो बहुत अच्छे पौधे से। किसान भाइयों ये वो मेरा 8x5 का बाग है जिसकी स्थापना पिछले वर्ष 2018 में 20-21 जून में हुई थी। और आज मैंने इस पर 19-19-19 और प्रोपेनोजोल का स्प्रे कराया है जो मुझे जैन साहब ने और नवेची ने बताया था। तो जैन साहब ने कहा था कि आप करके देखिए और कितना फ़र्क रहा। ये देखिए इस पौधे की कटिंग जो है ना इनकी मैंने कटिंग की थी। इसमें 2 प्रकार के पौधे हैं मैंने बताया था। इसका मैंने फरवरी में प्लांटेशन किया था जो थोड़ा ख़राब हो गया था। कितना अच्छा पौधा चल रहा है। और ये पौधे हैं जिनकी मैंने कटिंग की थी। तो इसमें मैं दिखाऊंगा इनकी कटिंग मैंने की थी 3 और 4 जून को इनकी कटिंग की थी। ये बर्फ खान का पेड़ है ये वाला। देखिए कितनी अच्छी अभी 1 माह में भी 1 दिन की कमी है 2 दिन की कमी है इसमें और कितनी अच्छी ये है। ये देखिए 2 पौधे मैं दिखाता हूँ इस प्रकार मैं इसमें सफाई करवा रहा हूँ आज। ये कल तक पूरी हो जाएगी। और फिर बीच में जो ये जगह बची है इसमें मैं रोटावेटर निकलवा दूंगा ट्रैक्टर से और खेत बिल्कुल साफ़ हो जाएगा।
और जैसा कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 5 तारीख की रात को या 5 तारीख की सुबह से बारिश शुरू होगी और लगभग 1 सप्ताह की बारिश है, उससे पहले मेरा खेत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दवाई मैंने डलवा दी, एक दवाई मैं और डलवाऊंगा इसमें अभी 2 या 3 दिन बाद। आइए मैं दिखाता हूँ, ये है मेरा जिसकी कटिंग की थी, श्वेता का प्लांट। देखिए इसके पत्ते, देखिए कितना, अब देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग शुरू हो गई। ये देखिए फ्रूटिंग, श्वेता में फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। ये देखिए कितनी फ्रूटिंग, आप इसकी फ्रूटिंग तो गिन लीजिए। अगर मैं गिनना शुरू करूँगा तो इस पेड़ पर कम से कम, इतने छोटे से पेड़ पर जो 1 वर्ष का है, 50 अमरूद होंगे। तो मैं अब की बार इनमें से 50 नहीं, प्रत्येक पेड़ से जो ये स्वस्थ है, इनसे ये बर्फ़ खान का है, इसमें अभी मुझे कोई फ्रूटिंग नहीं दिखाई दी, शायद थोड़े दिनों बाद आएगी। ये मेरा बर्फ़ खान का प्लांट है, जो मुझे इसका मुझे पता है किस तरह का होता है, तो ये बर्फ़ खान है, इसमें नहीं आई लेकिन श्वेता में आ गई। ये देखिए श्वेता का कोई भी प्लांट आप लेंगे, ये देखिए इनमें देखिए ये फ्रूटिंग शुरू हो गई, ये कलियाँ हैं, ये देखिए समझे कितनी अच्छी कलियाँ, ये देखिए। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैं इसकी सफाई करवा रहा हूँ। अभी मेरे मजदूर आने वाले हैं, वो शुरू करेंगे। और ये पेड़ जो है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप लोग भी बताइए कि ये देखिए, ये अमरूद मैंने इसमें रोके हुए हैं, ये मैंने फरवरी में प्लांटेशन किया था इसका। ये देखिए आप, ये अमरूद देखिए, ये अमरूद 50 ग्राम का होगा, ये देखिए कितना अच्छा अमरूद है। क्या कोई बताएगा कि ये कौन सा अमरूद है? ये देखिए, ये देखिए, ये 2 अमरूद हैं और ये कुल उसका प्लांट है। और देखिए अभी फ्रूटिंग फिर शुरू हो गई इसमें, ये देखिए इसमें बहुत फ्रूटिंग आती है। ये उसने मेरे को VNR कह कर दिए हैं, पर मुझे तो नहीं लग रहा कि VNR है या कैसा है, ये बोतल के आकार का है पेड़ जो है, पर श्वेता पे बहुत फ्रूटिंग आती है। तो ये देखिए, अभी मैं इसको आपको 1 महीने बाद फिर दिखाऊंगा। अब मेरा अगला वीडियो 1 महीने के बाद आएगा इसमें, और मैंने एक चार्ट बनाना शुरू किया है कि कटिंग और कटिंग के बाद कितने कितनों बाद कौन सी दवाई, कौन सा खाद आप डालेंगे, उस सब का चार्ट बना रहा हूँ, जो मैं आपको लगभग 3 महीने के बाद दिखाऊंगा। ये देखिए अभी ड्रिप सिस्टम शुरू होने वाला है, कल से शुरू हो जाएगा ड्रिप सिस्टम। और ये देखिए, ये मेरी मक्का थी जिसमें बहुत अच्छे नहीं आए थे, जो मैंने साइड में लगाई थी, और इसको मेरे तोते ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, इतने तोते होते हैं यहाँ पर कि मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे कहीं ने कहा इस पर कपड़ा बांध दीजिए, मैंने कहा इसमें दाने कम हैं, चलो पक्षियों को भी खाने दो, बहुत अच्छा सीन होता है। साथियों, एक किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर आप जो है ना किसान भाइयों मत बोलिए, जैसे ही आप किसान भाई बोलते हैं तो मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि मैं सब काम छोड़कर खेती शुरू कर दूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, किसान भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों और साथियों, विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।